ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಂದ ನಾನು ಏನಾದರೂ ದೂರ ಆದರೆ ಆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದಂಗೆ मेरा बच्चा मुसलमान है इनको से फिल्मों में नाचने गए हैं मेरा बच्चा मुसलमान है तीन जो उसका हाफिज है इलेक्शन रैली में चामराजपेट के एमएलए जमीर अहमद खान ने आपकी फैमिली पे पर्सनल अटैक किया और कहा है कि एक तो फैज भगोड़ा है भाग जाएंगे यहाँ से दूसरा ये कह दिया क्या ये मुसलमान है ऐसे सवाल कर दिया है क्या कहेंगे इस बारे में हाँ मेरा बच्चा मुसलमान है इनको से फिल्मों में नाचने गया नहीं मेरा बच्चा मुसलमान है तीन जो उसका हाफिज है पंजगान नमाजी है मैं मरात मेरे जनाजे की नमाज उन्हें पढ़ाना उसकी दादी की नमाज उन्हें पढ़ाया हमें बच्चों को ऐसा तरबियत करें सो दूसरी चीज जहाँ इलेक्शन का सवाल है मिराजुद्दीन के पाटिल के बाद हुमनाबाद में बीदर डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा रायचूर यादगीर एक बहुत बड़ा इलाका हूँ वहाँ पर नौजवान की लीडरशिप को पैदा करना कमल इस्लाम को कराया मिर्जा मिराजुद्दीन पाटिल को लाए दो भी चले गए आप दूसरे दूसरे लोगों को नासिर भगवान को यूनुस खान को और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को काफ़ी लोगों को तैयार कर रहा हूँ मैं वहाँ पर इंशाअल्लाह वक्त आने पर जो है इसका होगा और जमीर साहब इतनी बड़ी बात उनको मैं लाया एमएलए बाय इलेक्शन में जिताया खैर वो एहसान का बदला उन्हें चुका रहे मैं रोज़दार आदमी मुझे कौन तो क्या तो गालियां दे तो मैं क्या भी बोलता नहीं दोनों हाथ उठा को अल्लाह की तरफ देखते ये अल्लाह तू दुनिया का मालिक उनको हिदायत है तो दे यानी तो तू जो फैसला करता जो करना तू कर सर फार्मेसी से सिद्दरामैया जी के साथ आपका एक लंबा रिश्ता गुजरा है उनके बारे में एमएलए ने जमीर अहमद खान ने कहा है कि उनसे दूरी होना खुदा से दूर होने के बराबर अब देखो अब इनकी ईमान की हालत क्या कर को ये बताती कितने बड़े ईमानदार इन्हों करो उनको तोबा कर लो का ना फरत न कलमा पढ़ लें दे अच्छा है जमीर अहमद को इतना बोलने का बाबा तू मेरा छोटा भाई रह सरकार 30 साल 40 साल और तेरी जिंदगी रहेंगे बाबा खबर में जाना बाबा दुनिया सब कुछ नहीं बाबा कभी भी अपनी जबान खोलते वक्त जबानी जन्नत को जबानी दोजख बनाने का अखलाक अच्छे कर लो बाबा इतना में तुझे बोलने का अब तो बड़ा आदमी बना बड़ा घर है पैसे है नमरूद के पास भी ताकत थी फिरौन के पास भी जो है ताकत थी खारून के पास भी खजाना था कौन सा भी नहीं टिका मेरे बाबा तुम्हारे अम्मा नेक वो अम्मा की दुआ से तो बढ़ लग जा रहा सर 2000 तौबा कर ले बाबा 2018 के इलेक्शन में तंजीम एक्टिविटी जो वन से कांग्रेस को वोट करने के लिए काम किया था अब क्योंकि जनता दल सेक्युलर ने एक मुसलमान सीएम इब्राहिम को स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया गया है अभी भी कुछ वो ताकतें काम कर रही है क्या मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन लेके जाने के लिए जेडीएस जेन्युइनली एक ट्राई कर रही है बिल्कुल देखिए आप जो है ऐसे कोई तंजीम में ऐसे फतवे नहीं चलते अब एक बार फतवा देखो बीजेपी को ला लिए अब ये फतवे नहीं चलते फौरन जो है फिरका परस्ता एक्टिव हो जाती मुसलमान का नाम मुसलमान को एक करे तो दूसरे लोगों को एक होने का मौका देते हैं मैं उस तो मेरे उनसे ही अदबाना गुजारिश है चार कमरों के अंदर बंद रहो को जो है दुआ करो और जहाँ पर जो है इलेक्शन लोकल मुस्लिम्स जो फैसला कर रहे हैं उनके फैसलों पर छोड़ो तुम यहाँ से बैठ को फतवे दीवनों को सर अगली इलेक्शन आपकी जेडीएस की लिस्ट कब अनाउंस करने वाले सर आप जैसे कांग्रेस की होगी हमारी लिस्ट अनाउंस होती है और इंशाल्लाह हुकूमत में बनाता हूँ डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है हमना जो है लोग पंचरत्न यात्रा के अंदर पूरे लोग रात के 12-1 बजे
लाए स्वाभिमान है वे आए स्वाभिमान। सर तीन दिन पहले कांग्रेस ने एक इलेक्शन के लिए कमेटी फॉर्म किया जिसमें कोई भी मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं है। नहीं उनको जरूरत इसलिए वाई सौ लोग खुदा कर बोले तो कहीं को ना खुदा किसे रिप्रेजेंटेशन देता नहीं है, ये उनसे पूछे थे मैं। सर लास्ट क्वेश्चन, सीएम फैज का हमनाबाद में किस तरह का प्रचार चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए कोशिश वो कर रहा, लोग दुआ कर रहे हैं, कामयाबी अल्लाह ताला देता है।